ऑलराइट गाइस, नार्जो 50A के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं और यहां पर लगभग पैरेलली में बहुत सारे फोन्स यूज कर रहा हूं और उसमें से एक फोन ये भी है। इसको भी यूज करते हुए मुझे अप्रॉक्स अभी हो गए हैं 10-15 दिन और मुझे लगा कि हाँ, अब ये टाइम है कि इस फोन के बारे में डिटेल से बात करनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है बॉक्स कंटेंट, की बॉक्स के हमें अंदर क्या क्या मिल जाता है। तो नार्जो 30A का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है नार्जो 50A। तो यहाँ पर चार्जर के अंदर हमें थोड़ा सा अपग्रेड देखने को मिल जाता है, वो है 18 वॉट का चार्जर। जहाँ पर पहले हमारे पास 10 वॉट का चार्जर था, तो विच इज़ एन अपग्रेड एंड ये एक अच्छी बात है। बट हाँ, इतना भी फास्ट नहीं है लेकिन अपग्रेड जरूर हुआ है। उसके अलावा टाइप सी केबल जो है बॉक्स के अंदर मिल जाती है और कुछ पेपर वर्क है। इसके अलावा फोन मतलब बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है अपार्ट फ्रॉम फोन। या सो फोन के बारे में बात कर लेता हूँ, बैटरी के बारे में हमने बात कर ली है, चार्जर के बारे में। तो बैटरी से मैं शुरुआत कर लेता हूँ। 6000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर हमें मिलती है। तो चार्ज करने में हालांकि थोड़ा टाइम लग जाता है, लगभग 2 घंटे के आसपास, लेकिन बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है इस फोन का। अप्रॉक्स मुझे जब भी मैंने इस फोन को चार्ज करने के बाद फुल चार्ज करने के बाद में यूज़ किया है, तो 2 दिन का बैटरी बैकअप ये आराम से निकाल के दे देता है। क्योंकि एक बार के लिए प्रोसेसर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हैवी नहीं है और जो 6000 mAh की बैटरी है उसकी वजह से एक अच्छा सा ऑप्टिमाइज्ड होके जो 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अब 6000 mAh की बैटरी है, इसी वजह से फ़ोन जो है काफ़ी भारी हो गया है। लगभग 207 ग्राम का फ़ोन है ये। तो एक बार आप जब पकड़ोगे इस फ़ोन को हाथ में तो फील होगा, जो इसका बल्कीनेस है वो आपको फील होगी। उसके अलावा यहाँ पर जो फ़ोन है वो मोटा है थोड़ा, 9 mm के आसपास में इसकी जो है वो थिकनेस आ जाती है। और डिज़ाइन की बात करूँ तो ये थोड़ा सा नया डिज़ाइन है यहाँ पर, जहाँ पर ये फिंगरप्रिंट जो है इस कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही सेट कर दिया और आराम से जो है वो टच हो जाता है। समस्या जो है वो फिंगरप्रिंट को यूज़ करने में नहीं आती है। तो रीचेबल है, एट द सेम टाइम जो कलर है वो मुझे काफ़ी पसंद आया और उसके ऊपर टेक्सचर जो है ना ये बहुत सही है। बाय द वे प्लास्टिक है, इस प्राइस पॉइंट पे हमें यही मिलता है। सो पॉलीकार्बोनेट दिया हुआ है लेकिन जो टेक्स्चर है, कलर है, आई लव इट। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो ये भी आराम से जो है काम कर जाता है। तो ये तो सारी हो गई अच्छी अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं कि मुझे क्या इस फ़ोन के अंदर पसंद नहीं आया। वो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप किसी फ़ोन को देखते हो वो है इसका डिस्प्ले, और मुझे इस फ़ोन का डिस्प्ले पसंद नहीं आया। देखो, अगर मैं उसे प्राइस कैटेगरी में रख के देखूं और जो दूसरे कंपनीज के जो फ़ोन्स हमें मिलते हैं और वहां पर जिस तरीके का हमें डिस्प्ले मिलता है और उसके फीचर्स मिलते हैं, वो यहाँ पर मिसिंग होते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहली चीज़ टीयर ड्रॉप यहाँ पे कैमरा का जो है मॉड्यूल दे रखा है एंड इस प्राइस पॉइंट पे हमें पंच होल डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। प्लस ये फुल HD नहीं है, सिर्फ HD पैनल है, IPS LCD HD पैनल है। सो या, और इसके अलावा 90Hz का भी ऑप्शन या फिर 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट का ऑप्शन नहीं है। फ़ोन जो है वो 60Hz पे ही रन करता है। अब बिल्कुल मुझे इसका डिस्प्ले कोई खास पसंद नहीं आया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन जो है वो डेली लाइफ में यूज़ करने में हैंग होता है या फिर वो सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है लेकिन फ़ोन जो है वो कैपेबल है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सारे के सारे टास्क जो है वो कंप्लीट करने में। और इसी के साथ में आ जाता हूँ इसकी परफॉर्मेंस पे। MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया हुआ है। मैंने कुछ गेम्स खेल के देखे यहाँ पर, और गेम्स के मामले में जो हाईएस्ट सेटिंग है वहाँ पर तो हम नहीं खेल सकते, लेकिन जब ओपन कर सकते हो गेम्स को, रन कर सकते हो अच्छे से स्मूथली, जो कि लोएस्ट सेटिंग या फिर मिडिल सेटिंग्स जो होती है वहाँ पर इस गेम को रन किया जा सकता है और ये आराम से जो है वो उसको रन कर भी लेता है। Geekbench स्कोर या फिर मैं बात करूँ बेंचमार्क स्कोर की, तो वो भी अच्छा निकल के आ जाता है मल्टी स्कोर के मामले में, और ओवरऑल डे टू डे लाइफ में जो परफॉर्मेंस है वो मैंने आपको बता ही दी है। अब इसके अलावा क्या रह गया इस फोन के अंदर, कैमरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। 50 MP का कैमरा दिया हुआ है पीछे के साइड पे यहाँ पे। उसके अलावा 2 MP का मैक्रो एंड 2 MP का डेप्थ कैमरा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और मैं बात करूँ कैमरास की तो एवरेज है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक परफॉर्म कर जाता है। डे लाइट कंडीशन में अच्छे फोटोज़ निकालता है, कलर्स भी अच्छे हैं, सेचुरेशन भी अच्छी है, और जो शार्पनेस है होनी चाहिए वो भी दिखाई देती है। तो या डे लाइट के अंदर
पीछे वाला कैमरा सही से परफॉर्म कर जाता है। और यही सेम सिनेरियो इसके फ्रंट कैमरा के साथ में भी है, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है तो डेलाइट के कंडीशन में फोटोज अच्छा निकाल लेता है, पोर्ट्रेट फोटोज भी अच्छा निकाल लेता है। यप, लेकिन जैसे ही थोड़ी लाइटिंग कम हो जाती है या फिर कम लाइटिंग वाली कंडीशन में फोटोज जो है वो थोड़े स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, थोड़ा सा नॉइज उसके अंदर आ जाता है। सो या और स्पीकर्स की बात करूँ तो इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर हमको स्टीरियो स्पीकर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर सिंगल फायरिंग बॉटम पे यहाँ पर स्पीकर दिया हुआ है, और थोड़ा ये लाउड हो सकता था, सिंगल स्पीकर दे रखा है तो थोड़ा उसको लाउड ये कर सकते थे, और वो भी यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो ये एक अलग से ड्रॉबैक यहाँ पर है। या यहाँ पर हमें 3.5mm का जैक देखने के लिए मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हम 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड तीनों ही लगा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि क्या ये फ़ोन मैं रिकमेंड करता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर ना कन्फ्यूजिंग सा माहौल निकल के आ जाता है। अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे सके, देन यू कैन गो एंड बाय इट। बट ओवरऑल आपको एक परफेक्ट पैकेज चाहिए तो वो ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे इसका डिस्प्ले पसंद नहीं आया, फिर स्पीकर मुझे पसंद नहीं आया, और 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो फ्रंट में यहाँ पर टीयर ड्रॉप नॉच दे रखा है ये पुराना हो चुका है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी प्राइस पॉइंट पर दूसरी कंपनीज के फ़ोन जो है वो काफ़ी अच्छा पैकेज लेके आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है, 90Hz होता है फास्ट रिफ्रेश रेट, उसके अलावा फुल HD डिस्प्ले देखने को भी मिल जाता है, और स्टीरियो स्पीकर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो साइड में जो नीचे की साइड में इतना बड़ा नॉच है ये नॉच भी वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो या मैं ये फ़ोन रिकमेंड नहीं कर सकता, अपार्ट फ्रॉम कि आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे सके। या तो यही था इस वीडियो में गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होगा, और इसी तरह के एक और ऑनेस्ट रिव्यू में मैं फिर से मिलूंगा आपके साथ। अभी के लिए बाय।